आईपीएल सीजन 13 के डबल हेडर के आज के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स होगी। माही की चतुराई के आगे क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम टिक पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज एमएस धोनी ने एक बार फिर अपनी रणनीति में बदलाव किया। दरअसल पिछले मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ जिस तरीके का प्रदर्शन सीएसके की टीम ने किया, उसके बाद धोनी टीम से काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि ये मैच परफेक्ट के बराबर था। बड़ी बात यह है कि आज के मुकाबले में एमएस धोनी एक बार फिर कुछ नए बदलाव कर सकते हैं। सैम करन को लेकर धोनी पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो अपनी टीम में सैम करन को जिस तरीके से चाहेंगे वैसे यूज करेंगे। उन्होंने कहा कि सैम करन हमारी टीम के कैसे खिलाड़ी हैं जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके रन बटोर सकते हैं जब हमें जरूरत पड़े। ऐसे में मुकाबला अगर शारजा में आया तो ये बात तो तय है कि आज सैम करन ओपन करते नजर आ सकते। वहीं एमएस धोनी खुद नंबर 3 या नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आएंगे क्योंकि विकेट थोड़ा सा धीमा होगा और धीमे विकेट पर धोनी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है सीएसके की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ आज अंबती रायडू को लोअर डाउन दी ऑर्डर सीएसके की टीम बैटिंग करा सकती है, हालांकि फिलहाल ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आज के मुकाबले में इमरान ताहिर का खेलना भी लगभग तय है। अगर यहाँ पर इमरान ताहिर टीम में शामिल होते हैं तो ड्वेन ब्रावो को टीम से बाहर होना पड़ सकता है। बड़ी बात यह है कि आज रविंद्र जडेजा को भी ऊपर बल्लेबाजी कराई जा सकती है क्योंकि रविंद्र जडेजा भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और सीएसके अभी तक उनको सही तरीके से यूज नहीं कर पाई है। ऐसे में क्या रविंद्र जडेजा की शानदार ऑलराउंड स्किल्स सीएसके के काम आएगी, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर आज एमएस धोनी टीम में तो थोड़े बहुत बदलाव करेंगे ही, साथ ही बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करके कम से कम 5 से 7 बदलाव देखने को मिलने वाले। अब क्या धोनी का ये बदलाव टीम को जीत दिला पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।